subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. शर्मा की दुल्हन ब्याह जो आई, संग टू सीटर सोफा ले आई, डिंग 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 डिंग। अरे आपने ये गाना तो सुना ही होगा, ये गाना आजकल सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है। ये गाना है शर्माइन के सोफा वाला फेविकोल के एडवर्टीजमेंट का। जी हाँ, फेविकोल ने अपने 7 बरस पूरे होने के मौके पर एक बेहतरीन एडवर्टीजमेंट बनाया है जिसे अब तक 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसमें शर्माइन अपने दहेज में एक ऐसा 2 सीटर सोफा लेकर आती है जो कई वीडियो तक चलता ही रहता है। मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। और शर्माइन का सोफा वाली शर्माइन यानी कि श्रेष्ठा बनर्जी आज हमारे साथ मौजूद है। सो श्रेष्ठा, ये शर्माइन का सोफा, मिश्राइन का सोफा और कलेक्ट्राइन और बंगालन का सोफा बड़ा फेमस हो गया है, आखिर ये सोफे की कहानी क्या है? इस सोफे को लेकर एक इंस्पिरेशन मिली थी पांडे ब्रदर्स जी को, वहाँ से। जयपुर में एक फेमस है हाउस है पांडे हाउस, वहाँ पे ऐसा एक सोफ़ा था पुश्तैनी। तो जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर गए थे तो वो अपना कुछ सामान भी पीछे छोड़ के गए, तो जब पांडे इसको जब वो सामान मिला, वो सोफ़ा मिला, तो उन्होंने उसको कई बार अलग अलग रूपरेखाओं में उसको तब्दील किया, उसको अलग अलग लोगों को दिया, वो पास ऑन होता गया। वहीं से ये इंस्पिरेशन मिली कि सोफ़े को इस बार प्रमोट करते हैं। अब अगर आप ऐड की मेकिंग और उसकी यू नो मतलब आर्टिस्टिक ब्यूटी को देखें तो इसका एक ये रहा होगा, जो मुझे लगता है वो ये रहा होगा कि सोफ़ा जो है एक लेगेसी, एक धरोहर को प्रमोट करता है। क्योंकि किसी भी पल वो सोफ़ा जो है शर्मा का सोफ़ा, मिश्रा का सोफ़ा, कलेक्टर का सोफ़ा नहीं बना, वो थ्रू आउट जो है शर्माइन से मिश्राइन, फिर कलेक्ट्राइन, फिर बंगालन का सोफ़ा रहा। तो एक आपने अगर यूट्यूब में कमेंट्स पढ़े होंगे तो लोग इस बात की भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि ये एक ऐसा ऐड है जो कई सारी चीज़ें, मतलब जैसे आपके धर्म, समाज, जाति और इन सब चीज़ों के अलावा भी एक अच्छी बात जो सामने आ रहा है वो ये है कि ये फीमेल एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है, विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है, क्योंकि इसके साथ किसी ना किसी औरत का नाम जुड़ा है। तो एक ये है कि जिस तरह औरतें परिवार को जोड़े रखती हैं, वैसे ही फेविकॉल का सोफ़ा और उसकी उसकी मजबूती भी आने वाले जनरेशन को जोड़े रखे, ये एक मैसेज गया है उसका।